अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ वालदैन, आज हमने बच्चों को खेल ही खेल में हरूफ और उनसे शुरू होने वाली जो अशकाल और अल्फाज हैं और जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमने बताया और पढ़ाया। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमने जो सरगर्मी की वो तो ये थी कि तरतीब से लिखना है। इस सफ़े पर जो सबसे पहली सरगर्मी है वो ये है कि आपने पहले कौन सा हर्फ आता है उसको लिखना है, उसके बाद कौन सा हर्फ आएगा वो लिखना है। अगर बीच में कोई हर्फ नहीं मौजूद तो उसको छोड़ दें, उसके बाद वाला देखिए। मिसाल के तौर पर अलिफ अलिफ मद्दा बे पे ते टे से, ये एक तरतीब से अलिफ बे पे है। यहाँ लिखा हुए जो हरूफ हैं उनको आप देखें कि अलिफ मद्दा मौजूद है तो फिर इसके बाद बे है, पे नहीं है, ते है, ते नहीं है, से है। आपने बच्चे को तरतीब बतानी है कि जैसे हम एक दो तीन चार की तरतीब जहन में रखते हैं कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, इस तरह से अलिफ के बाद अलिफ मदा, अलिफ मदा के बाद बे, बे के बाद पे, इस तरह ते टे से। जो हरूफ नहीं मौजूद आप उसको छोड़कर अगले पे जाना है। हमने तरतीब आगे की तरफ रखनी है, बच्चे को जहन में बार बार यही हमने बिठाना है कि तरतीब का ख्याल रखें। पहले कौन सा हर्फ आएगा, बाद में कौन सा हर्फ आएगा, बाद में और पहले के दरमियान अगर कोई हर्फ मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उससे अगला हर्फ शुरू करें। इसी तरह से अब हमने जो नीचे सरगर्मी की उसमें हमने खेल ही खेल में बच्चे को समझाया है कि पंखा है, पंखा किस से शुरू होगा, बा बे से तो आवाज ही नहीं निकल रही, ता ते से नहीं, पा पे जब हम बोलेंगे तो लाजमी तौर पर बच्चे को जहन में आ जाएगा कि ये पा, पा की आवाज पंखे से ज्यादा मुतल्लिक है। पा पंखा, पा पत्ता, पा से शुरू होने वाले अल्फाज और अशकाल उनके सामने रखें। अशकाल से मुराद एक एक चीजें उनके सामने रख दें, आप पत्ता सामने रख दें, पंखा सामने रख दें और ताला सामने रख दें। बच्चे को पता हो कि पे से शुरू होने वाला लफ्ज पा पे है तो पा से शुरू होने वाला लफ्ज कौन सा होगा। इसी तरह से तरबूज की हमने मश्क की, चे चांद की हमने मश्क की, दा दाल की मश्क की, कि जो हरूफ हैं दाल डाल साल या जीम चे हे इनमें एक जैसे हैं, दा दाल वाले भी एक जैसे हैं, जीम चे भी एक जैसे हैं, उसमें जो उस आवाज से मिलता हुआ लफ्ज होगा हमने उसकी तरफ जाना है। जा जीम चांद नहीं बनता, चा चे चांद बनता है, दा दाल से दवात नहीं बनती, दा दाल से दवात बनती है। ये खेल ही खेल में हम बच्चे को आवाज की पहचान करवाते हैं कि हमारी आवाज कैसी निकल रही है। दा 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 से शुरू होने वाला लफ्ज आप निकालें। अगले सफर पर हमने जो खेल ही खेल में बच्चे को सिखाया और वो बच्चे अक्सर बहुत ही मजे से खेलते हैं, पेंसिल की लकीर ले जाते हैं हर्फ को उसकी तस्वीर तक। अक्सर बच्चों को ये खेल बहुत पसंद होता है। खेल ही खेल में वो सीख जाते हैं जा जीम से जहाज बनेगा, सा से समर बनेगा, अलिफ मता आ की आड़ू बनेगा। ये खेल ही खेल में बच्चे हरूफ की पहचान उन अशकाल से करते हैं और उनके नामों से करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मुआविन साबित हुई होगी, आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ।